अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। आज हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं, जो है डिवाइजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी डिवाइजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, तो पहले आप वो देख लें, पर जिसने नहीं देखी तो जिसके पास टाइम भी नहीं है, हम यहीं पर रिवाइज भी कर लेते हैं, पर बेहतर है कि आप वो देख लें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो पहले हम यहाँ पर ओरली रिवाइज कर लेते हैं कि डिवाइजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं। डिवाइजिबिलिटी रूल्स का मकसद ये होता है कि अब मैं आपको कोई भी नंबर दे रही हूँ, लाइक 72 दूँ या फिर 81 या फिर कोई भी, और आपसे मैं पूछूं कि इन पर कौन कौन सी टेबल जाएगी, मतलब कौन कौन सा नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तब आपको ये काम आते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले हर टेबल का अपना अपना रूल होता है, ठीक है। 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, मतलब किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा या नहीं। मतलब सिंपली आपको ये पता चल सकता है कि जिस नंबर से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, और जो फैक्टर होता है वही कम्प्लीटली डिवाइड करता है, उसके अलावा तो कोई भी डिवाइड नहीं करता। तो बेसिकली डिवाइजिबिलिटी रूल से हमें ये पता चल सकता है कि कौन किसका फैक्टर है, कौन किसका फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले 2 के रूल की हम बात करते हैं कि कैसे पता चले कि 2 किस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, किस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसके यूनिट प्लेस पर आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। और हर इवन नंबर जो इवन नंबर होता है उसे 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। लाइक यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 74 में अगर आप एंड में देखें तो 4 है, तो 4 जो है इसे कम्प्लीटली, ये एक इवन नंबर की निशानी है, ठीक है। तो 74 एक इवन नंबर हुआ तो 2 इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। जो इवन नंबर है उसे 2 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। यहाँ पर 81 ले लेते हैं, 81 एक ऑड नंबर है, 2 इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं 3 के रूल के ऊपर। 3 का जो रूल है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो नंबर आपको मिला है, ठीक है, जो नंबर मिला है आपको उसके जो डिजिट्स हैं तो उनको आप प्लस करें पहले, ठीक है, एक एक डिजिट को। लाइक मैं आपको यहाँ पर नंबर दे देती हूँ 111, ठीक है, ये एक नंबर है 111। इसको क्या करेंगे हम, 1 + 1 + 1 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3। तो 3 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो इस सारे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। या फिर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, लाइक 2 and 4 24 पे हमें कैसे पता चले कि 3 इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो आप ऐसा करें, 2 + 4 कितने हो जाएंगे 6। 6 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो इसे 24 को भी करेगा। इनके लिए आपके लिए एक शर्त है कि आपको 10 तक टेबल तो आनी ही चाहिए, ठीक है, बेसिकली इतनी कम टेबल्स तो आनी चाहिए, वरना आपके लिए मैथ सीखना तो मतलब नामुमकिन ही है, क्योंकि टेबल्स बहुत बेसिक नीड है मैथ की। उसके बाद 4 का रूल आता है। 4 के रूल में क्या होता है कि जो एंड में यूनिट और टेंस प्लेस है उस पे या तो दो ज़ीरो हों या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिससे 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता हो ऑलरेडी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर नंबर लिखूँ 700, ठीक है, 700 में क्या है, 700 के एंड में 2 ज़ीरो हैं तो ये 2 ज़ीरो वाले नंबर को भी 4 डिवाइड करता है। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ 724 पे भी 4 की टेबल जाती है तो इस कंप्लीट नंबर पे भी टेबल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है 5 का रूल। 5 का रूल
इतना आसान है कि जिसके एंड में ज़ीरो हो या फिर फाइव हो, फाइव उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। आप उसे आँख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ भाई फाइव इसका फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्स। सिक्स उस नंबर को डिवाइड करता है जो ऑलरेडी टू से भी डिवाइड हो रहा हो, थ्री से भी डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, लाइक एक नंबर ले लेते हैं हम 18, 18 सॉरी बहुत मुश्किल है इससे लिखना, 18 है, 18 जो है उसे टू भी डिवाइड करता है, उसे थ्री भी डिवाइड करता है, तो सिक्स भी इसे डिवाइड करेगा। पर यहीं पर अगर हम फोर्टीन ले लें, 14, ठीक है, 14 को टू तो डिवाइड करता है पर थ्री डिवाइड नहीं करता, तो इसे सिक्स भी डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे ही 15 है, 15 को थ्री डिवाइड करता है, टू डिवाइड नहीं करता, तो सिक्स भी इसे डिवाइड नहीं करता। शर्त यह है कि दोनों डिवाइड करने चाहिए, टू भी एंड थ्री भी। उसके बाद सेवन का रूल क्या होता है कि जो नंबर है आखिरी लास्ट नंबर है जो, उसमें आप उसको आप डबल कर लें, फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से आप माइनस कर लें। अगर जो रिज़ल्ट आता है उस पर सेवन की टेबल जाती है तो कंप्लीट नंबर पे जाएगी। अभी हम एग्जांपल से सीखते हैं। अगर हम एग्जांपल लें 651 का, तो जो लास्ट नंबर है उसको आप डबल कर लें, वन का डबल क्या होगा टू, टू जो रिमेनिंग नंबर है ना 65, उसमें से आप माइनस करें, ठीक है, क्या आ जाएगा 63, 63 को सेवन कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो इसे भी डिवाइड करेगा, मतलब सेवन इसका भी फैक्टर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सेवन का रूल भी। अब आते हैं एट के रूल में। एट का रूल भी फोर की तरह है, उसके बस शर्त कंडीशन ये है कि मैं बार बार शर्त बोल रही हूँ, कंडीशन ये है कि लास्ट में उसमें दो ज़ीरो थे, इसमें तीन ज़ीरो होने चाहिए, और उसके यूनिट और टेंस प्लेस पर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें जो फोर डिवाइड करे इसमें यूनिट हंड्रेड और यूनिट टेंस और हंड्रेड की जगह पर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे एट कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो अब आगे बढ़ते हैं नाइन के रूल की तरफ। नाइन का रूल क्या है कि जैसे थ्री का रूल है, आप सारे नंबर्स को ऐड करें, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है अगर उसको नाइन्थ कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। टेन का रूल तो जी इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या ही बताऊं। टेन के रूल में अगर किसी भी नंबर में लास्ट में ज़ीरो है तो वो टेन उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका ज़ीरो ही आएगा। एलेवन को छोड़े, एलेवन का मैं आपको समझाती हूँ। ट्वेल्व का और 15 का समझते हैं पहले। 12 हर उस नंबर को डिवाइड करता है जिसे 3 और 4 डिवाइड करता हो, जिसे 6 का था ना कि 2 भी उसे डिवाइड करेगा और 3 भी, 2 भी और 3 भी डिवाइड करेगा तभी जाके 6 डिवाइड करेगा। 12 का भी ऐसे ही है कि 3 और 4 जिस नंबर को डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली उसे 12 डिवाइड करेगा। 15 का ये है कि जिसे 3 और 5 दोनों डिवाइड करेंगे उसे 15 करेगा। और 25 का ये है कि जिस नंबर में आखिर में या तो दो ज़ीरो हो या फिर ऐसा नंबर हो जिस पर 25 की टेबल जाती हो, 25 उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब आते हैं 11 की तरफ। 11 थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आप समझ लें कि 11 उस नंबर को डिवाइड करता है। लाइक देखें, एक होती है यूनिट प्लेस, दूसरी होती है इवन प्लेस। प्लेस नंबर्स की बात नहीं करी, प्लेस, ठीक है। पहले कौन सा नंबर आता है, 1, 2, 3, 4, तो पहले कौन सी जगह आ रही है, इवन ऑड प्लेस, फिर इवन ऑड इवन, ठीक है। जो नंबर आपको मिला है उसके आप जो ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करें, जो इवन नंबर्स हैं उनको ऐड, इवन प्लेस वाले जो नंबर्स हैं इवन प्लेस वाले उनको आप ऐड करें और उनको आपस में माइनस करें। आप माइनस करने के बाद ज़ीरो आता है फिर भी उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और अगर ऐसा नंबर आता है जिसे इलेवन ऑलरेडी डिवाइड करता है तो भी आप डिवाइड करेगा। लाइक सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 121 का। यहाँ पर 1 और 2 ये कौन सी जगह है, ऑड प्लेस, ठीक है, ऑड इवन, ये पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड, ठीक है। तो ऑड को ऑड से हम ऐड करते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो
टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ज़ीरो जवाब आ रहा है, तो 11 इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हैं सारे डिवाइजिबिलिटी रूल्स। तो अभी आप चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ, मैं आपको रिवाइज भी करवाती जाऊंगी बार बार, सब्र रखें सिर्फ। पर आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो वो वीडियो बनाई है उसमें आप देखें, उसमें मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं, उससे आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो पहला नंबर है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको हमने पढ़ के फिर बताना है कि 251,061 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 3। अब यहाँ पे हमें काम आएंगे डिवाइजिबिलिटी रूल्स। देखिए, यहाँ पर आपको इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है कि ये इसे कम्प्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं करता। जब तक आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसे कम्प्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं करता। मतलब रिमाइंडर आएगा तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो बचेगा तो इसे कम्प्लीटली डिवाइड। पर डिवाइजिबिलिटी रूल्स इतने हेल्पफुल हैं कि आप उसे बस देख के ही बता सकते हैं कि हाँ, थ्री से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो थ्री का मैंने आपको क्या रूल बताया कि जो जो नंबर आपको मिले हैं उस नंबर में दो दो डिजिट्स हैं उसके, आप उसको ऐड करें। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं हम, 2 + 5 + 1 + 0 + 6 + 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 15। 15 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यस, तो इस सारे नंबर को भी करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। जो सही होगा मैं उसे ब्लू से टिक करूँगी, जो गलत होगा मतलब जो डिवाइड नहीं करता मैं उसे रेड से टिक करूँगी। ठीक है, जो दूसरा नंबर है, 92,348 इज़ कम्प्लीटली डिवाइजिबल बाय 4। तो मैंने 4 का आपको रूल बताया था कि लास्ट में या तो 2 2 0 हों या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिसे 4 डिवाइड करता हो। ठीक है, तो इसके एंड में क्या है, 48 को 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 4 to 11 तक 48, तो इसे भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। उसके बाद 9 का रूल है, 9 के लिए मैंने आपको बताया कि उसके भी हम सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा अगर उससे कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। अब इसके डिजिट्स को हम प्लस करते हैं, 4 + 9 + 2 + 3 + 0, ये कितने हो जाएंगे, 18। 18 को 9 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो इस पूरे नंबर को भी 9 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 8 का रूल मैंने आपको बताया बिल्कुल 4 की तरह है कि लास्ट, इसमें फ़र्क ये है कि लास्ट में या तो 3 0 हो या फिर कोई ऐसा नंबर हो जिसे 8 ऑलरेडी डिवाइड करता हो। अब जो 150 है, 150 को 8 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, तो इसे भी पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा। मतलब कि आप जब इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे आपका कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर आएगा, इसको रेड से टिक करते हैं। जो 5 नंबर है उससे क्या है कि ये एक ऑड नंबर है क्योंकि इसके एंड में क्या है, 5 है, 5 और इवन नंबर नहीं है, तो इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा 2। उसके बाद जी 3 का रूल फिर से, इसके भी हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, 2 + 4 + 1 + 5 + 6 + 6, तो आंसर क्या आ रहा है, 24 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो इस सारे नंबर को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद है 34,268, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 डिवाइड करता है, तो जी बिल्कुल, तो ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेगा। उसके बाद है जो 241,361 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 4, तो इसके एंड नंबर में क्या है, 61 है, 61 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, तो कंप्लीट नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर है 6 उसे 8 डिवाइड करेगा क्योंकि जो 8 इस नंबर के एंड में नंबर है 864, 8 उसे कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, एक मिनट में इसे सही कर लूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। ठीक है, ये जो मैंने निशान लगाया वो 8 नंबर पे है।
एट उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि जो 864 है एट उसे कम्प्लीटली डिवाइड करता है। दूसरा है नाइन के लिए, नाइन के लिए नंबर्स को ऐड करना है। जो ये नंबर है उसको हम ऐड करते हैं, 4 + 1 + 5 + 8 + 7 + 2 + 0, तो नंबर क्या आ रहा है, 27। 27 को 9 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो इसे भी करेगा। जो ये दूसरा नंबर आया है इसे भी 2 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। उसके बाद है कि 3 को, 3 इस नंबर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर से ऐड करके देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2, तो जवाब आ रहा है 23। 23 को 3 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, तो इसे भी नहीं करेगा। ये एक्सरसाइज हो गई डन। अब दूसरी पर चलते हैं। दूसरी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 6। ये हैं एमसीक्यूज की तरह, ठीक है। इनमें से आप बताएं कि कौन कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। तो 6 का मैंने आपको रूल बताया था कि 6 उसी नंबर को डिवाइड करता है जिसे 2 भी डिवाइड करता हो, 3 भी डिवाइड करता हो। तो देखते हैं 2 और 3 कौन कौन से नंबर को डिवाइड करते हैं। जो पहला नंबर है 2456, इसे 2 तो डिवाइड करता है पर 3 नहीं करता, क्योंकि अब अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करें तो जवाब आएगा 17। 17 इसे डिवाइड नहीं करता, 17 को 3 डिवाइड नहीं करता, तो 6 भी डिवाइड नहीं करेगा। 6 को दोनों की माननी है ना, एक की नहीं माननी। अब जो ये दूसरा और तीसरा नंबर है दोनों को 2 तो डिवाइड करेगा, 2 की तरफ से कोई मसला ही नहीं है, हमें देखना है उसको 3 को। तो ये जो दूसरा नंबर है हम इसको ऐड करते हैं, 7121700, तो हमारा नंबर आता है 18। 18 को 3 डिवाइड करता है और इसके एंड में 0 है, मतलब ये एक इवन नंबर है, तो 2 इसे डिवाइड करेगा, तो 6 भी इसे डिवाइड करेगा, मतलब दोनों नंबर करें तो 6 भी करेगा। उसके बाद है 1 + 1 + 9 + 2 + 0 + 6, ये भी क्या है, 18 आ रहा है इसका जवाब, तो 18 को 3 डिवाइड करता है और ये एक इवन नंबर है, तो 6 भी इसे डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 5। इसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, जिस जिस नंबर के एंड में 0 और 5 है उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और जिसके नंबर एंड में 0 5 नहीं है उसे डिवाइड नहीं करेगा, बस और क्या। और 10 का भी बहुत ईजी है, 10 के में एंड में 0 होना चाहिए, तो इसे डिवाइड नहीं करेगा, बाकी इन दोनों को 10 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। मज़ा तो अब आएगा। इलेवन वाले में अब बढ़ते हैं इलेवन की तरफ, कि इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 का मैंने आपको रूल बताया कि पहले आपको ऑड प्लेसेस को प्लस करना है, फिर इवन प्लेसेस वाले नंबर को आपस में प्लस करना है, फिर उनको माइनस करना है। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है उसको, उसके डिजिट्स को हम प्लस करते हैं, 2 + 5 + 6, ये कितने हो गए, ये हो गए 13, ठीक है। तो दूसरे जो इवन प्लेस हैं हम उनको प्लस कर दें, 1 + 7 + 2, ये हो गए 10। तो 13 से हम 10 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 3। 3 इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 11, तो ये नंबर भी डिवाइजेबल नहीं है, मतलब जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर आएगा। उससे नेक्स्ट नंबर है उसके डिजिट्स को हम प्लस करते हैं, 5 + 9 + 8 प्लस, बस 8 ही होगा, ये कितने हो गए, 22।
दूसरे क्या हैं, कितने हैं, 2 + 5 + 4, ये कितने हो गए, 11. अब 22 से 11 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 11, एंड 11 इज़ डिवाइजिबल बाय 11, सो यहाँ पे ये नंबर इससे डिवाइड होगा. दूसरा नंबर है उसको करते हैं 9 + 8 + 7 + क्या है दूसरा, 9 8 7 2 9, ये हो गया 33. और जो दूसरे इवन नंबर वाले हैं उनका सम होगा 11, तो 33 से जब 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 11, तो 11 इज़ डिवाइजिबल बाय 22, ठीक है, तो जवाब आएगा 22 पर 11 की टेबल जाती है तो इस पूरे नंबर पर जाएगी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिवाइजिबल बाय 33 से वो डिवाइड 12 से वो डिवाइड होते हैं जिनके जो 4 से डिवाइड होता हो और 3 से भी, ठीक है, तो देखते हैं पहले 3 से कौन कौन डिवाइड होता है. पहला नंबर, इसके लिए हमें प्लस करना होगा, 2 + 4 + 5 + 1 + 6 + 8, तो जवाब आ रहा है पहले का 26. 26 से 3 डिवाइड नहीं होता, तो चाहे ये 3 से 4 से डिवाइड होता हुआ भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर 12 की टेबल नहीं जाएगी. अब दूसरा करते हैं 5 + 1 + 2 + 1, ये कितने हो गए, 9 पर 3 की टेबल जाती है और इसकी एंड में भी दो ज़ीरो हैं तो इस पर भी 12 की टेबल जाएगी. दूसरा करते हैं, सो नेक्स्ट नंबर है 2 + 5 + 6 + 1 + 7 + 4 + 2, तो ये हो गए 27 पर 5 उसकी 3 की टेबल जाती है, तो अभी देखते हैं 4 इसे डिवाइड करता है कि नहीं. 4 इसके एंड में क्या है, 42 को 4 डिवाइड नहीं करता तो इसे भी 12 डिवाइड नहीं करेगा. नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 5 से कौन कौन डिवाइड होता है, तो 15 के लिए ज़रूरी है कि जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, तो बीच वाला नंबर तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं होगा. जो दूसरे दो नंबर हैं वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, पर चेक करते हैं कि वो 3 से डिवाइड होंगे कि नहीं. तो पहला नंबर है 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड होता है और ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 15 भी से भी ये डिवाइड होगा. जो दूसरा नंबर है वो है 2 + 3 + 6 + 7 + 9, ये हो गए 27. 27 3 को डिवाइड करता हो, 27 3 से डिवाइड होता है तो 15, और इसके एंड में 0 है तो 5 से भी डिवाइड होगा, तो 15 भी से डिवाइड करेगा. 25 के रूल की तरफ चलते हैं. 25 का रूल में मैंने आपको बताया कि उसके एंड में या तो दो ज़ीरो हो तो ये भी होगा, और या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो 25 से डिवाइड होता हो, तो 75 ऐसा नंबर है जो 25 से डिवाइड होता है, जो बाकी जो दूसरा बीच वाला नंबर है इस पर टेबल नहीं जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई 2, 5, 2, 3 and 6, इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो 2, 3 और 6 से डिवाइड होता है. तो हमें अगर ये पता चल जाए कि कौन सा नंबर है जो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है वो 6 से भी डिवाइड होगा, तो पहले तो हम इसको कट करते हैं क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, चाहे फिर वो 3 से डिवाइड हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो दूसरे नंबर चेक करते हैं, 1 + 4 + 5 + 6 + 2, इसका सम क्या हो गया, 18. 18 को 2, 3 डिवाइड करता है और ये एक इसको 2 भी डिवाइड करेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 3 भी कर रहा है तो इसे 6 भी डिवाइड करेगा, तो पहले नंबर को ये करता है. दूसरा नंबर भी इवन नंबर है तो इसे 2 तो डिवाइड करेगा. फिर चेक करते हैं 5 के लिए, 5 + 1 + 8 + 2 + 1 + 4, ये कितने हो गए, 21 को 3 डिवाइड करता है तो इसे भी डिवाइड करेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 4 and 8। इनमें से कौन कौन सा नंबर है जो 4 और 8 से डिवाइड होता है? तो 4 से तो तकरीबन सब हो रहे हैं, पर 8 के लिए चेक करते हैं। 8 से पहला नंबर डिवाइड होगा और लास्ट वाला नंबर डिवाइड होगा, बीच वाला नंबर डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, 5 and 10। इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड होंगे, 5 से भी एंड 10 से भी? तो 10 तो उसे ही डिवाइड करता है जिसके एंड में 0 हो, और 5 भी उसे डिवाइड करता है, 2 भी उसे डिवाइड करता है, बाकी इसको 10 डिवाइड नहीं करेगा बिकॉज इसके एंड में 5 है और 5 वाले नंबर को 10 डिवाइड नहीं करता, और इन दोनों को करेंगे। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू।